मैं शाबाद डेयरी के एफ ब्लॉक में इस वक्त उस गली के बाहर खड़ा हूँ जिस गली से उस मकान का रास्ता जाता है, जो विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा हूँ। ताला लगा हुआ है मकान में, इस वक्त लोग हैं नहीं, मैं कैमरा पर्सन चाहूंगा आपको दिखाएं। इसी गली से वो रास्ता जाता है, ये वो दीवार है जिस दीवार के बाहर मृतिका के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। मल्टीपल टाइम्स चक्कू से उसको मारा गया, फिर लास्ट में सीमेंट की स्लैब मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद जब आज हम यहाँ पहुँचे और इनसाइट्स जानने के लिए, दरअसल 28 तारीख की रात को 9 बजे से पहले मृतिका यहाँ आई किस लिए थी। हालांकि उनकी माँ के बयान के मुताबिक वो अपनी एक दोस्त के घर रह रही थी, उसके दोस्त के बच्चे के जन्मदिन को मनाना चाहती थी जिसके लिए वो जा रही थी, इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो एक नई कहानी जानने को मिली। हमने बात की आरती से। आरती कौन है? आरती मृतिका के दोस्त अजय की बहन है। आरती ने हमसे बात करते हुए एक नई कहानी बताई। पहले मैं आपको आरती की वो बाइट सुनाता हूँ जो उनसे हमने बात करते हुए मोजो स्टोरी को बताया। ये आरती हैं, इनके भाई हैं अजय, जिनका नाम आप सुन रहे हैं उर्फ जबरू। क्या हुआ था एक बार आप मुजुबानी, आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। क्या उस दिन जब 27 तारीख को आपने बताया कि साहिल से मिलने जब गए थे, क्या क्या हुआ था उसमें? वो समझाने गया था, वो ना हाँ का जवाब दे रहा ना ना का जवाब दिया उसने, उस टाइम कुछ भी नहीं बोला तो वो चले आए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 28 तारीख को खबर आती है कि लड़की की मौत हो गई, पर ये भी नहीं मालूम कंफर्म कि वही थी। यहाँ पे आके देखा तो वही थी। आपके भाई अजय से साक्षी ने एक भाई के नाते आप बता रही हैं मदद मांगी कि आप जाके साहिल को समझाइए कि वो मुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। उसके बाद साहिल को समझाने वो इधर आए। हाँ, आप जानती थी साक्षी को? हाँ मैं जानती थी साक्षी को। कितने दिनों से आप लोग जानते थे? मैं तो काफ़ी टाइम नहीं, अभी फ़िलहाल में नई दोस्ती हुई थी मेरी। अच्छा, तो साक्षी ने अपने और साहिल के बारे में कुछ बताया था आपको कभी? नहीं, कभी नहीं बताया उसने, कोई जिक्र ही नहीं किया उसने। तो साक्षी आपके भाई को कैसे जानती थी? मेरी फ्रेंड है भावना। अच्छा, उससे बहुत दोस्ती है, तो उसने भाई से मिलवाया था कि लड़का है तो लड़के से हेल्प मिल जाएगी उसे। आपकी फ्रेंड भावना से साक्षी की अच्छी दोस्ती है और भावना ने साक्षी को आपके भाई से मिलवाया था? आज जिस दिन उसका मर्डर हुआ ना, उस दिन उस लड़की ने खुद भावना को फोन किया था कि दीदी मैं शौचालय में हूँ। अच्छा, साक्षी ने भावना को फोन किया था उस दिन? किया, उसके 10 मिनट बाद पता चल रहा है कि वो उसका मर्डर हो गया इधर पीछे वाली गली में। और साक्षी के माता पिता ई ब्लॉक में रहते हैं। हाँ, यहाँ पर किस लिए आई थी साक्षी? साक्षी शौचालय में आई थी। अच्छा, ये वॉशरूम बना हुआ है ना, फिर उसमें आई थी जब हुआ उसके साथ, शौचालय से निकली है बाहर जब उसके साथ कांड हुआ ऐसा। आरती के मुताबिक मृतिका अजय से मिली थी। अजय आरती के भाई हैं, उस जबरू को कहा जा रहा है। आरती के भाई से मृतिका ने मदद मांगी कि वो आए साहिल को धमकाए और थोड़ा सा बात करे साहिल को कि वो कम से कम मृतिका को तंग ना करे। साहिल आया, आरती ने जैसा बताया साहिल से बात करी, अजय ने उसको धमकाया, ये सारी बातें हुई 27 तारीख को। 28 तारीख की शाम को मृतिका यहाँ पहुँची थी सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करने। अब यहाँ पर मैंने लोकल रेजिडेंट्स से बात करी तो एक कहानी ये जानने को मिली कि क्योंकि ये घर बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर हर ब्लॉक में इस तरह के सुलभ शौचालय बनाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो इस तरह के कुछ सुलभ शौचालय बनाए गए हैं जिसका इस्तेमाल लोग करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे घर बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है। तो इसी तरीके से आरती बताती हैं कि मृतिका ने, आरती की दोस्त भावना और मृतिका की एक म्यूचुअल फ्रेंड है भावना, जिसको कॉल करके मृतिका ने उस रात 28 की रात को तकरीबन 8 बजे ये बताया कि मैं सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करने इधर आई हूँ। अपनी भाषा में बताया हुआ, रियाजा यहाँ के लोकल हैं तो अपने अपने तरीके से चीज़ों को उन्होंने सिग्निफाई किया होगा। अब उसी कॉल के कुछ देर बाद तकरीबन 8:30-9 बजे, बल्कि 8:30 के भी बाद, जैसा लोकल एजेंट यहाँ बताते हैं, ये हमला हुआ मृतिका के ऊपर, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये पूरा एक नया घटनाक्रम जानने को मिला कि किस वजह से वो यहाँ आई थी। अब यहाँ के लोकल रेंट्स की माने, आरती की माने जो अजय की बहन है, तो यहाँ पे सिर्फ शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए आई थी। अब उस रात हुआ क्या होगा, किन लोगों का पहला रिएक्शन आया, ये जो मकान है अभी ताला लगा हुआ है, अंदर से भी लोग हैं नहीं, यहाँ पे लोग बताते हैं कि वो लोग जॉब करने के लिए गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उनका रिएक्शन था क्योंकि जब चिल्लाई होंगी मृतिका, इतनी जोर से उसके ऊपर हमला किया गया, तो क्या इन लोगों ने बाहर निकल के देखा, क्या इन्होंने कोशिश की बचाने की, हालांकि कोशिश तो नहीं की, लिया था वीडियो में दिख रहा है, तो क्या इनका रिएक्शन था, ये लोग किस तरीके से उस न्यूज़ पे रिएक्ट कर रहे थे, वो भी अपने आप में एक एलिमेंट है। तो ये सब का बड़ा अपडेट है। फिलहाल जो आरोपी है साहिल सरफराज, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, 2 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया गया है, कस्टडी दे दी गई है, तो पुलिस पूछताछ करेगी, बयानबाजी होगी और फिर इस केस में अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी चार्जशीट फाइल होती है और क्या इस केस की फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी, दिल्ली। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.